ग्वालियर एक ऐसा शहर जो सदैव से ही भारत के नक्शे पर अपनी अलग छाप रखता है, फिर चाहे बात यहाँ की कलाकृतियों की हो या फिर यहाँ पर मिलने वाली संपदाओं की। इन्हीं में से एक है ग्वालियर का बलुआ पत्थर, जिसकी डिमांड इन दिनों खासी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई नवीन कलाकृतियों के निर्माण के लिए भी ऑर्डर मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से खास है यह पत्थर। वर्तमान में मूर्ति कला को लेकर बड़ा अच्छा रुझान है लोगों का, और सरकारें भी काफ़ी रुचि ले रही हैं कलाकृतियाँ जो भगवान राम की हो, चाहे वनवासी रूप में हो, चाहे सप्तऋषि की मूर्तियाँ हो, चाहे महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ हो, काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं सभी राज्यों से, चाहे MP मध्य प्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, और भी अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से। तो पर्याप्त कलाकारों के पास व्यस्तता काफ़ी है इस समय पर, क्योंकि सभी मूर्तियों का हमें बड़ी जल्दी निर्माण करके उनके समय रूप जो उन्होंने समय दिया है हमें, उसके पहले में हमें स्थापित करानी है। तो सभी कलाकार लोग, पहले 10 से 12 लोग की टीम काम करती थी, आज 20 से 25 लोग रात दिन इस कलाकृतियों में लगे हैं समय पर तैयार करने के लिए। अभी वर्तमान में हमारे पास 3 बड़े ऑर्डर हैं, इसमें 27 फुट के 3 राम जी की मूर्तियाँ हैं और 15 से 20 सप्तऋषि की मूर्तियाँ हमें मिली हुई हैं, जो हमें अभी पिछले आने वाले 2 से 3 महीने में रात दिन करके तैयार करनी है। इसमें 2 मूर्तियाँ हमने अभी छत्तीसगढ़ में स्थापित की हैं। सरकारों के माध्यम से भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक इस तरीके के हैं कि भाई जो महापुरुष की मूर्तियाँ या कोई धार्मिक मूर्तियाँ का स्थापित करने का समय, तो सरकार उसमें पीछे क्यों रहे। ग्वालियर का पत्थर है कि ग्वालियर के मिंट पत्थर है ग्वालियर में, क्योंकि मिंट पत्थर में जो काम हो रहा है वो हज़ारों साल अमर होता है। जैसे ग्वालियर किला हो, तानसेन मकबरा हो, जो पत्ती पत्ती जालियों का गवाह बनता है, आज भी देखते हैं आप कितना अच्छा डिजाइन, आज भी मतलब आपके सामने जीवित है हज़ारों वर्षों के बाद। तो ग्वालियर की खासियत ये, एक बार इस पत्थर में कलाकारी हो जाती है, आजीवन इसका आदमी पूरी कला का मतलब शांति से प्यार से इस कला को सुंदर मन में उतार सकता है, वो कलाकारी ग्वालियर के पत्थर में दिखती है। आज स्थिति काफ़ी मतलब व्यस्तता है, पहले इतनी व्यस्तता नहीं रहती थी। स्टोन कार्विंग में तो जैसे वो महाकाल में एक आपने सुना होगा कि जो अभी दुर्घटना हुई है फाइबर की मूर्ति को लेके, उसके बाद स्टोन की मूर्तियों की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। पिछले महीने जो दुर्घटना के बाद हमारे पास 3-4 ऐसे ऑर्डर आए हैं कि जो फाइबर में कन्वर्ट होने वाले थे, पर वो स्टोन में मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। कलाकारों में बहुत खुशी है, कलाकार को मौका मिला है, ये कलाकार उस मौके को छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी कलाकार एक से एक कंधे से मिला के कंधा चल रहे हैं और समय पे अपने ऑर्डरों को पूरा करना चाह रहे हैं।